गुड मॉर्निंग क्लास वन। बेटा आज आप लोग ना इंग्लिश फंक्शनल इंग्लिश पढ़ोगे, ओके? तो सब लोग फंक्शनल इंग्लिश बुक टेक आउट करिए। तो सभी बच्चे फंक्शनल इंग्लिश की बुक टेक आउट करिए और ओपन करिए पेज नंबर 25। ठीक, आज मैं आपको एक्सप्लेनेशन बताऊंगा इस चैप्टर के बारे में, क्या है ये चैप्टर, कैसे है, इसको कैसे पढ़ना है, ठीक है, इस चैप्टर में क्या लिखा है, ठीक है, वो सारी चीज़ें आज मैं एक्सप्लेन करूँगा आपको। क्लियर? ओके, चलो सबसे पहले इस चैप्टर का नेम पढ़ो। क्या है नेम? द जॉय ऑफ द फेस्टिवल्स। जॉय ऑफ द फेस्टिवल्स मीन्स क्या होता है पता है? फेस्टिवल मतलब जानते हो क्या होता है? हाँ, जो आप त्यौहार मनाते हैं ना, जो आप घर में देखोगे दिवाली मनाते हो, दशहरा भी आने वाला है, नवरात्र मनाते हो, दुर्गा पूजा आती है ना, तो बहुत सारे त्यौहार हम लोग मनाते हैं ना, होली मनाते हैं, बहुत सारे त्यौहार मनाते हैं हम लोग, तो भाई ईद मनाते हैं और भी बहुत सारे त्यौहार मनाते हैं, उन्हीं के बारे में इसमें बताया है कि कैसे एक नेबरहुड, कैसे एक कॉलोनी या एक जो है कि आसपास रहने वाले लोग अलग अलग त्यौहार मनाते हैं और अलग अलग फेस्टिवल्स में सभी लोग पार्टिसिपेट करते हैं, सभी लोग उसमें जो है कि खुशियाँ मनाते हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, चलिए अब पढ़ते हैं लेसन। बता रहा है क्या लेसन में क्या है, कह रहा है कि राज एक लड़का था, राज जिसका नाम था, 6 ईयर्स ओल्ड था वो लड़का, और वो सब तरह के फेस्टिवल को पसंद करता था। जैसे आप हर तरह के फेस्टिवल्स को पसंद करते हो ना, क्रिसमस भी मनाते हो, होली भी मनाते हो, ईद भी मनाते हो, है ना, और ये क्या कहते हैं आपका, देखो खिचड़ी आती है, खिचड़ी पे भी पतंग उड़ाते हो, ठीक, तो ऐसे ही वो भी हर तरह के फेस्टिवल को पसंद करता था, हर तरह के फेस्टिवल्स में पार्टिसिपेट करता था। ठीक है, तो उसी के बारे में बताया गया है इसमें। कह रहा है कि ही लिव्स इन अ स्मॉल हाउस इन न्यू दिल्ली विथ हिज पेरेंट्स। वो एक छोटे से घर में रहता था न्यू दिल्ली में, जो कि घर था उसका उसके पेरेंट्स के साथ। उसके नेबरहुड में कौन कौन रहता था देखो बता रहा है। कह रहा है उसके नेबरहुड में पूरी इंडिया से, हर इंडिया के हर कोने से कुछ कुछ लोग रहते थे, मतलब अलग अलग कल्चर को जो फॉलो करते थे, जिनका अलग अलग ट्रेडिशन था, लैंग्वेज जिनकी डिफरेंट थी, ऐसे लोग वहाँ पे रहते थे। तो बता रहा है कि एक मिस्टर अमर पटेल रहते थे, जो कि उसके जस्ट बगल में नेक्स्ट डोर पे रहते थे, और एक ओल्ड मिसेज एंजेला गोम्स रहती थी, ठीक है, जो कि वो उसके हाउस के नीचे रहती थी, सॉरी ऊपर रहती थी, अबव हिज हाउस देयर हाउस। फिर उसके घर के सामने अपोजिट में बता रहा है कि एक हाउस था, ठीक है, जिसमें कि एक तमिल फैमिली रहती थी। राज अटेंड्स स्कूल विथ हर डॉटर। राज उसी तमिल फैमिली की एक बच्ची थी जो कि उसके साथ पढ़ती थी, उसी के साथ वो स्कूल जाता था, जिसका नाम कविता अय्यर था। ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, दोनों साथ स्कूल जाते आते थे, घूमते फिरते थे, खेलते वेलते थे। ठीक, बता रहा है कि जनवरी में क्या आता था, पोंगल आता था, और पोंगल कौन सेलिब्रेट करता है, तमिल लोग सेलिब्रेट करते हैं पोंगल, अय्यर लोग सेलिब्रेट करते हैं पोंगल, ठीक ना। अब तो तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते ही होगे, उसमें मिस्टर अय्यर जो हैं आप देखो वो पोंगल सेलिब्रेट करते हैं, सभी उनके साथ, सारी कम्युनिटी सेलिब्रेट करती है, पूरा मोहल्ला सेलिब्रेट करता है ना। तो ऐसे ही इस फैमिली की भी वैसी ही कहानी है। तो बता रहा है कि मिस्टर अय्यर के यहाँ जो है पोंगल सेलिब्रेट हो रहा था, लंच ब्रेक में जो है स्कूल का, जब लंच ब्रेक हुआ तो कविता ने क्या कहा, कविता ने कहा किससे, राज से। देखो अच्छी बात बता रहा है इसमें कि लंच ब्रेक में बात किया, ऐसे तुम लोग दिन भर क्लास में बात करते हो ना, ऐसा नहीं करना चाहिए। लंच ब्रेक इसीलिए होता है कि आप लंच भी कर लीजिए, आपस में बातें भी कर लीजिए, ठीक है। तो ऐसा ही किया करिए क्लास के दौरान, बातें जब टीचर पढ़ा रहा हो तो बातें नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो वही बता रहा है कि कविता ने लंच ब्रेक में कहा राज से कि मेरे घर आना, कल सुबह हम लोग पोंगल सेलिब्रेट करेंगे। अब राज बड़ा खुश हुआ, राज कहा रही वाह, मैं तो बहुत अच्छा लगता है पोंगल त्यौहार। क्यों भाई त्यौहार पोंगल फेस्टिवल अच्छा लगता है? क्योंकि इसमें उसको पोंगल खाने को मिलता है। पोंगल जानते हो क्या होता है? पोंगल जो है ना बेटा, एक राइस का एक रेसिपी होती है, एक डिश होती है जिसमें चावल रहता है, दूध डलता है, शुगर डलता है, चीनी डाला जाता है, ठीक है, और भी जो भी बादाम वादाम जो भी आप डाल सको, मतलब एक तरह की समझो जैसे हम लोग की खीर होती है ना, वैसे ही कुछ हद तक उनके पोंगल होते हैं, चावल में, दूध में चावल पकाया जाता है उनके यहाँ, ठीक। तो उसको पोंगल बहुत अच्छी लगती थी, बोलता है मुझे तो मीठी पोंगल खाना बहुत पसंद है, मैं ज़रूर आऊँगा। अगले दिन सुबह जो है क्या होता है
कि अगले दिन सुबह जैसे ही वो देखता है कि मतलब होती है कविता के साथ, कविता जो है अपनी मम्मी के साथ डेकोरेशन वगैरह कराती रहती है, और ये सुबह सुबह उसके यहाँ पहुँच जाता है कि चलो मैं आ गया, अब मैं जो है कि तुम्हारे साथ पोंगल सेलिब्रेट करूँगा। अब ये लोग भाई घर डेकोरेट करते हैं मैंगो ट्री से, बनाना ट्री से, सारी चीज़ों से घर डेकोरेट किया जाता है। मिस्टर अय्यर, मिसेज अय्यर जो हैं वो बहुत सुंदर रंगोली बनाती हैं घर के बाहर, ठीक है। उसके बाद फिर जो पोर्च होता है उसके बाहर, ठीक है, फ्लोर से, आटे से, राइस फ्लोर से, फिर क्या होता है, सभी लोग एक पास इकट्ठा होते हैं। इसमें क्या किया जाता है पोंगल में, सन गॉड मतलब जो हमारे सूरज भगवान है ना, उनकी पूजा की जाती है, तो उनकी पूजा करते हैं लोग। फिर उसके बाद खाते हैं डिलीशियस डिलीशियस पोंगल जो बना रहता है। कहाँ खाते हैं मालूम है? प्लेट में नहीं खाते हैं, बनाना लीव्स पे खाते हैं, ठीक है। वैसे भी कहा जाता है कि तमिलनाडु में ज़्यादातर प्लेट्स नहीं चलती, आप बड़े बड़े रेस्टोरों वगैरह में भी जाओगे तमिलनाडु में तो वो लोग आपको कहाँ खिलाएंगे, ये बनाना लीव्स पे जो है कि खाना खिलाएंगे, कुछ भी चावल दाल सब बनाना लीव्स पे ही खिलाते हैं हम लोग, ठीक, खाते हैं ये लोग। अच्छा, उसके बाद मार्च की बात बता रहा है कि मार्च में मिसेस गोम्स जो हैं वो क्या करती हैं, वो बेक करती हैं चॉकलेट ईस्टर एग्स, ठीक है, मतलब एग शेप का होता है ये, ठीक है, चॉकलेट चॉकलेट का होता है, चॉकलेट का ईस्टर बनता है। ईस्टर एक त्यौहार होता है, जैसे हम लोग का त्यौहार होता है बेटा, वैसे ही क्या कहते हैं ये क्रिश्चियंस का त्यौहार है ईस्टर, ठीक है, खुशियां मनाने का एक त्यौहार है, ठीक। तो वैसे ही ये लोग क्या करते हैं ईस्टर मनाते हैं, ईस्टर जो है कि अपना ईस्टर के दिन ईस्टर लोग बनाते हैं और ये चॉकलेट से बनता है, ठीक। अच्छा, तो बताइए क्या मिसेस गोम्स ने क्या किया मार्च में, ईस्टर बना के छुपा दिए कई जगह, और कविता और राज से कहा कि चलो अब ढूंढो और ढूंढ के खाओ। तो सभी लोग भाई वहाँ पे खोजना शुरू किए, सब ये राज और कविता अब चारों तरफ खोजे। जब उनको सारे ईस्टर मिल गए, ईस्टर एग्स मिल गए, तो उन्होंने खाना शुरू किया, तो कह रहे वाह ये तो चॉकलेट का है, बहुत टेस्टी है, ठीक। अच्छा, अब क्या हुआ कि जब ये लोग खावा लिए ईस्टर वगैरह, तब क्या हुआ कि वो लोग गए मिसेस गोम के साथ, कहाँ गए मिसेस गोम्स के साथ, चर्च गए, ठीक ना। क्रिश्चियन लोग कहाँ जाते हैं पूजा करने, जैसे हम लोग मंदिर जाते हैं, मोहम्मडन्स जो है मस्जिद जाते हैं, वैसे ही क्रिश्चियन लोग कहाँ जाते हैं, चर्च में जाते हैं। ऐसे सिख लोग कहाँ पे जाते हैं, वो लोग जाते हैं गुरुद्वारा में, ठीक है। ऐसे ये लोग गए कहाँ पे, चर्च में गए, सब लोग जो है कि प्रेयर किए, अच्छे से पूजा पाठ हुआ, ठीक। उसके बाद क्या हुआ देखिए, ईस्टर सर्व किया गया, अगल बगल चारों तरफ सब लोग खाए, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या होता है नेक्स्ट। अब नेक्स्ट बता रहा है क्या हुआ कि मिस्टर पाटिल, ठीक है, मिस्टर पाटिल जो है कि क्या किए, मिस्टर पाटिल क्या है, मिसेस पाटिल सॉरी, मिसेस पाटिल ने क्या किया, मेक्स द बेस्ट स्वीट्स ऑफ फॉर गुड्डी पडवा, ठीक है। गुड्डी पडवा एक त्यौहार होता है पाटिल लोगों के लिए खासकर, ठीक। तो गुड्डी पडवा ये लोग मनाते हैं भाई, ये कहाँ मनाया जाता है, ये महाराष्ट्र में मनाया जाता है गुड्डी पडवा, ठीक है। महाराष्ट्रियन फैमिली मनाती है, और महाराष्ट्रियन कब मनाते हैं, इसको कैसे मनाते हैं, जैसे हम लोग हैप्पी न्यू ईयर मनाते हैं, ठीक है, वैसे ही क्रिश्चियंस का बेसिकली हैप्पी न्यू ईयर है, हम लोग का तो हिंदुओं का नहीं है हैप्पी न्यू ईयर, हम लोग तो जो है कि नवरात्र जो अप्रैल में नवरात्र पड़ता है उसके बाद हम लोग अपना जो है कि हैप्पी न्यू ईयर, फिर उसके बाद होली वगैरह पड़ती है उसमें हम लोग अपना हैप्पी न्यू ईयर मनाते हैं। लेकिन ये लोग हैप्पी न्यू ईयर कब मनाते हैं, ये लोग भी अप्रैल में ही मनाते हैं महाराष्ट्रियन लोग, क्रिश्चियंस की हैप्पी न्यू ईयर जनवरी में होती है, ठीक है। खैर, तो ये लोग महाराष्ट्रियन थे, ये लोग हैप्पी न्यू ईयर अपना अप्रैल में मनाते हैं गुड्डी पडवा नाम से। तो गुड्डी पडवा नाम से भाई ये लोग क्या करते हैं, ये लोग टेरिस पे गुड्डी बनाते हैं। अब गुड्डी मतलब वो गुड्डी नहीं जो तुम लोग पतंग उड़ाते हो उसको गुड्डी कहते हो, वो गुड्डी नहीं है, ये अलग तरह की गुड्डी है। इसमें क्या होता है कि इसमें एक डंडा गाड़ दिया जाता है बम्बू स्टिक, ठीक है। अब बम्बू स्टिक गाड़ने के बाद उस पर क्या किया जाता है कि वो गन्ने, बेसिकली गन्ना होता है, गन्ना और नीम, ठीक है, और जो है कि मैंगो लीव्स, ठीक है, रेड फ्लावर्स, ये सारी चीज़ें से डेकोरेट करके जो है सारी चीज़ों से डेकोरेट करके जो है और क्या बनाया जाता है क्या कि सारी चीज़ों से डेकोरेट करके बनाया जाता है एक मतलब एक बम्बू स्टिक जो है गाड़ करके, और उसके ऊपर ऐसी सारी लीव्स वगैरह रेड फ्लावर्स वगैरह बांध करके, उसके ऊपर एक कॉपर का वो रख करके, क्या कहते हैं, मटकी रख करके, और उसको सजा दिया जाता है खूब बढ़िया से, ठीक। और उसके बाद जब ये पूजा पाठ हो जाती है तो फिर लोग खाना और मिठाइयाँ अलग अलग तरह की खाते हैं, ठीक।
फिर उसके बाद एक लंबी सी गर्मी आती है, गर्मी के बाद गर्मी में ही कभी कभी या गर्मी के अंत में कभी कभी ये रमज़ान आता है, ठीक है, रमज़ान भी बोलते हैं ठीक है। इसमें क्या होता है रमज़ान में भाई, रमज़ान पूरा महीना जो होता है ये मोहम्मडंस का त्यौहार है। इसमें जो है कि सभी जितने भी लोग होते हैं मोहम्मडंस जो भी हैं वो सभी लोग क्या करते हैं, फास्ट रहते हैं, पूरा वन मंथ का फास्ट ये लोग रहते हैं, एक महीने तक कुछ भी नहीं खाना पीना, केवल मतलब ऐसे रहते हैं कि सुबह 5 बजे से फास्ट शुरू होता है और ये शाम को करीब वही जब अजान होती है तब तक ये लोग फास्ट रहते हैं, उसके बाद फिर ये लोग वही कुछ खा पी के पारण करते हैं, फिर सुबह से नेक्स्ट डे से शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही ये लोग का चलता है, एक महीने फास्ट करने के बाद फिर ये लोग को ईद मनाते हैं, ये लोग सेवैयाँ बनाते हैं स्वीट स्वीट बहुत सारी, ठीक है, और सब लोग खाते हैं, गले मिलते हैं, गले मिल के त्यौहार सेलिब्रेट करते हैं, बहुत खुशियों का त्यौहार होता है, खूब सारे नए नए कपड़े लोग बनाते हैं, ठीक है। इसके बाद आती है अक्टूबर में आपकी दुर्गा पूजा, ठीक है, देखो आने वाली है ना दुर्गा पूजा, खैर इस बार तो नहीं मनाई जाएगी दुर्गा पूजा, लेकिन मतलब मनाई इन द सेंस कि पंडाल वगैरह नहीं लगेंगे COVID-19 के वजह से, लेकिन आप तो पता ही है दुर्गा पूजा तो आपको बताना नहीं है कितना अच्छा त्यौहार है, आप लोग तो खूब मनाते हो, देखते हो पंडाल सजता है, हम लोग जाते हैं घूमने सप्तमी को, अष्टमी को, नवमी को, ठीक है, दशमी को जो है कि दशहरा होता है, रावण जलाया जाता है, और जो है कि फिर उसके बाद ये माता का वो भी होता है, क्या विसर्जन भी होता है, ठीक है। तो हम लोग तो खूब घूमते हैं, मेला लगता है, बड़ा बड़ा पंडाल, अच्छी अच्छी मूर्तियाँ सजती हैं, है ना, हम लोग नए नए कपड़े पहन के जाते हैं ना घूमने, तो वैसे ही होता है, और ये 5 दिन का त्यौहार माना जाता है, और बेसिकली बताया जाता है कि गॉडेस दुर्गा के चार बच्चे कौन कौन माने जाते हैं बता दूं मैं आपको, ऐसा माना जाता है कि लक्ष्मी, सरस्वती, कार्तिकेय और गणेश, ये 4 बच्चे हैं गॉडेस दुर्गा के, ठीक है, जिनको हम लोग जाते हैं, जिनको भाई आप देखोगे भी तो मूर्ति में जाके देखोगे, जब भी आप देखो मूर्तियाँ बनती हैं तो दुर्गा पूजा में देखो कि लक्ष्मी की भी होती है, गणेश जी की भी होती है, लक्ष्मी जी की भी होती है, सरस्वती जी की भी होती है, दुर्गा जी की तो होती ही है, महिषासुर मर्दनी बन के वो करती ही हैं, मतलब वध करते हुए उनकी फ़ोटो तो होती ही है, ठीक है, और इन लोग की भी होती है, कार्तिकेय जी की होती है, तो ये उनके 4 बच्चे माने जाते हैं जिनको जो है कि वर्शिप किया जाता है, ठीक। अच्छा, फिर यही बता रहा है कि ऐसे ही जब नेबर्स अलग अलग कम्युनिटी के एक साथ रहते हैं बेटा, तो बहुत सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, बहुत सारी चीज़ें वो लोग खुशी खुशी मनाते हैं, ठीक है, और खूब खुशी से एक साथ रहते हैं। यही लेसन इसमें यही है कि भाई नेबर्स के साथ आपको खुश रहना चाहिए, हर तरह के फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करना चाहिए, और हमें खुशियाँ एक दूसरे से शेयर करनी चाहिए, ठीक है, समझ में आई बात, ओके, वेरी गुड। अभी एक्सरसाइजेस जो हैं वो अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, जो होमवर्क आपको जा रहे हैं उनको पढ़ते रहिए, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं इसके, वो मैं आपको लेटर ऑन नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है, तो क्वेश्चन आंसर्स भी आप लर्न कर लीजिएगा अच्छे से, ओके, थैंक यू क्लास 1, बाय।